खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। दशहरा पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं एक और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन तहसील से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है जिसका नाम रावण है। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो रावण बाबा का है। इस मंदिर में रावण बाबा की 6 फीट लेटी हुई प्रतिमा है जो देखने में एक अनोखा मन मोहित करती है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के बुजुर्ग लोग इस मंदिर का बहुत ही अनोखा इतिहास बताते हैं कि रावण बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बूधे की पहाड़ी है जिसमें प्राचीन काल में बुद्धा नामक एक राक्षस रहा करता था जो रावण बाबा से युद्ध करने की बहुत इच्छा रखता था। परंतु वह जब लंका तक पहुंचा था और वह लंका की चकाचौंध देखता और उसका क्रोध शांत हो जाता था। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्धा राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं हर बार आपसे युद्ध करने की इच्छा लेकर आता हूँ, परंतु यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम वही मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा वहीं पर रखी हुई है और राक्षस का अंत उसी प्रतिमा से हुआ है और लोगों ने उस प्रतिमा की महिमा को देखते हुए यहाँ मंदिर बनवा दिया। और जब भी यहाँ कोई शुभ कार्य, हवन, पूजन या बड़ा पर्व मनाया जाता है तो सर्वप्रथम पहले यहाँ रावण बाबा को पूजा जाता है। गांव में जब कोई शादी या कोई भी समारोह किया जाता है तो रावण बाबा की नाभि में तेल भरकर रावण बाबा की पूजा कर शुभारंभ किया जाता है और लोग हर शुभारंभ में रावण बाबा की पूजा अर्चना कर निश्चय हो जाते हैं। मंदिर परिसर में भोलेनाथ का चबूतरा है, इसी से सटा हुआ एक तालाब भी है जिसकी भी अनोखी महिमा है। तालाब में रावण बाबा की एक प्राचीन पत्थर की तलवार है और ग्रामीण उस तालाब के पानी को गंगा के समान पवित्र मानते हैं और चरणामृत के समान जल को पीकर तरह तरह की बीमारियों से निजात पाते हैं। जब तालाब का पानी सूख जाने पर इस तालाब की मिट्टी को लेने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और रावण बाबा के दर्शन कर मिट्टी को साथ ले जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस तालाब की मिट्टी से सर धोकर नहाने से शैम्पू की तरह बाल मुलायम हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो इस मिट्टी से नहाने से ठीक हो जाता है। लोगों की मंदिर के एवं तालाब के प्रति इस प्रकार आस्था जुड़ी है। गांव में जब भी कोई वाहन खरीदता है तो उस पर रावण बाबा का नाम जरूर लिखवाते हैं और जब मंदिर के समीप से निकलते हैं तो गाड़ी का या किसी भी प्रकार के वाहन का हॉर्न बजाकर या बाबा को प्रणाम करते हुए जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने शरीर पर भी रावण बाबा की जय लिखवाते हैं। जहां पूरे देश में रावण दहन कर दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस गांव में रावण दहन का शोक मनाया जाता है और रावण बाबा को इष्ट देव मानते हैं, इसीलिए दशहरा पर्व पर विशेष पूजा की जाती है। ग्राम रावण के 62 वर्षीय पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बताया है कि हमारे ग्राम रावण में रावण बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। हमारे ग्राम में कोई भी शुभ कार्य, शादी, विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले रावण बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। ग्राम में किसी परिवार में शादी विवाह हो तो सबसे पहले निमंत्रण रावण बाबा को भेंट किया जाता है। पुजारी नरेश तिवारी ने बताया कि दशहरे के दिन रावण बाबा का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। दूर दराज से श्रद्धालु भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं एवं रावण बाबा की विशेष आरती के उपरांत कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। ग्राम रावण के 80 वर्षीय बुजुर्ग लाला राम पचौरी ने बताया कि गांव में किसी परिवार में लड़का या लड़की की शादी हो तो सर्वप्रथम निमंत्रण रावण बाबा के चरणों में रखा जाता है और भोग लगाकर पूजा की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी में मेहमानों के लिए बनने वाला खाना, पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई को कितना ही गर्म किया जाए लेकिन तेल गर्म ही नहीं होता है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा है जहाँ का हर कार्य यहीं से संपन्न होता है। कोई सा भी आप कार्य करोगे, जैसे आपको कथा भागवत या जैसे आपने बाँध खरीदा तो यहीं रखोगे, यहीं पूजा होगी जब हमारे यहाँ बाँध चलेगा। जैसे यज्ञ करोगे आप तो यज्ञ में प्रथम पूजा है, जहाँ पर आप पूजा करके खूब यज्ञ संपन्न होगा, हर कार्य संपन्न। और हर कार्य में प्रथम पूजा करी जाता है, कोई सा भी कार्य हो आपका यहीं से प्रारंभ होता है शुभ कार्य में, और नहीं तो फिर कार्य संपन्न नहीं होता है, ऐसा यहाँ का विधान है। बोल रावण बाबा महाराज की जय। और हर बाँध पे, हर मोटरसाइकिल पे जय लंकेश लिखाई तभी वो बाँध चलता है, नहीं तो वो बाँध भी नहीं चलता है। और मंदिर से सटा हुआ एक तालाब भी है जी, उसके बारे में भी सुनने में आया कुछ महिमा इस तालाब की क्या है? जी, ये है रावण बाबा महाराज का आश्रम का जो तालाब है, इसमें स्नान तो करते हैं और जल भी चढ़ाते हैं, मगर अपन कपड़ा वपड़ा जे नहीं धो सकते हैं। और ये तो एक गंगा जी जैसा पवित्र
ये तालाब है हमारा, इसको हम ले जाते हैं घर में भी शुद्धिकरण करते हैं, और इसकी जो मिट्टी है वो भी हमारे काम में आती है, जैसे बालों में डालना, खाल खुजी हो जाए तो वो ही मिट जाती है, और हर कार्य में जो पूरे आसपास के गांव की मिट्टी ले जाते हैं। यहाँ हमारे पूजवर बताते हैं कि यहाँ पे जो सामने एक बूदे की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे कोई मैदान अब करके राक्षस रहता था, तो वो अक्सर लंका जाया करता था, तो काफ़ी दिन हो गए उसको, रावण बाबा ने देखा कि यार ये आता है कुछ बोलता ही नहीं है। एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों आते हो, कुछ कहते हो नहीं हो। बोला महाराज गुस्ताखी माफ़ करें, मेरी आपसे कुश्ती लड़ने की इच्छा होती है, तो फिर किले में यहाँ आता हूँ और मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तो उनने कहा एक काम करो, तुम वहीं पे एक मेरी प्रतिमा बनवा लो, और जब आपको क्रोध आए तो कुश्ती लड़ लिया करो। जब से यहाँ रावण बाबा की मूर्ति है, और रावण में जो भी कार्य संपन्न होते हैं, शादी विवाह वाहन जो भी कार्य, और ऐसा नहीं है यहाँ सातों समाज का वो है मानता है रावण बाबा के इधर के जो भी कार्य करेंगे सबसे पहले रावण बाबा की जय बोलेंगे। हमने तो पुराने लोगों से सुना है, बहुत साल पहले यहाँ पास में बूदे की पहाड़ी है, वहाँ पे बूदे नामक एक राक्षस रहता था, तो उसकी इच्छा थी कि वो रावण से युद्ध करे, तो वो रोज लंका जाता था लेकिन दरबार में बैठ के और वैसे ही वापस आ जाता था। तो एक दिन दशानंद जो रावण हैं उनने उससे पूछा क्यों भाई क्यों आता है और क्यों चला जाता है वैसे ही बैठ के, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे आपसे युद्ध करने आता हूँ लेकिन मुझे आप देख के मेरी शक्ति छीन हो जाती है और फिर मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो फिर उनने उसकी दशा देख के कहा कि एक काम कर, वहाँ पर मेरी प्रतिमा बना और उसी से युद्ध किया कर, तो तब से यह मूर्ति यहीं पर है। खबर समय जगत के लिए नटेरन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।